प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा अखलाक की तालीम के लिए, सिर्फ अकीदा सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ रोजा नमाज जकात हज की तालीम देने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मबूत किया गया, भेजा गया अखलाक की तालीम भी देने के लिए, अखलाक संवारने के लिए, सुधारने के लिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइतु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ताला ने मुझे मबूत किया, अल्लाह ने मुझे भेजा है, बेहतर का एक मकसद है, एक हदफ है, मकसद और हदफ और गरज क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा बुइतु, कि मैं भेजा गया हूं, मुझे मबूत किया गया है, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ताकि मकारिम अखलाक, आला अखलाक जो जाहिलियत में पाए जाते थे उनकी तकमील कर सकूं, उनको मुकम्मल कर सकूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन और उनके अखलाक जमाने जाहिलियत में बाद शक्लों में मौजूद था, पाया जाता था, लेकिन बहुत सारे आला अखलाक मिट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, उनमें नक्स पैदा हो चुका था। तो उन्हीं अखलाक की तकमील करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूत किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद आला अखलाक की तकमील करना, उनकी तालीम देना, लोगों को वो अखलाक सिखाना, उनका तज़किया करना। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को इसलिए मबूत किया। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अखलाक सीखने से आते हैं, अखलाक उलमा के पास बैठने से आते हैं, उनके अखलाक और किरदार का जायज़ा लेने से इंसान अपने अखलाक सुधार सकता है, उनसे सीख सकता है, अपने आप को बना सकता है, अपने आप को सुधार सकता है। इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अखलाक वैसे सिखाते थे जैसे इल्म सिखाते थे, जैसे कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे हदीस की समझ, हदीस की तालीम दी जाती है, वैसे तलबा को, बच्चों को अखलाक सिखाए जाते हैं। हबीब इब्न शहीद रहिमहुल्लाह अपने बच्चे से कहते थे, या बुनय्या, कि मेरे बेटे तसहब अल उलमा, के उलमा की सोहबत इख्तियार करो, उलमा की सोहबत को तुम लाजिम पकड़ो, उनके साथ रहो, उनकी सोहबत अपनाओ, और उलमा की सोहबत इख्तियार करके उनके साथ रहकर अपने अखलाक, अपना किरदार तुम दुरुस्त करो, अपने अखलाक दुरुस्त करो। और अखलाक कहाँ दुरुस्त होते हैं? उलमा की सोहबत से, उलमा को लाजिम पकड़ने से, उलमा के साथ बैठने से, उनके अखलाक और किरदार का मुताला करने से, उनके साथ रहने से इंसान के अखलाक दुरुस्त होते हैं। और जब जब लोगों ने उलमा को छोड़ दिया, उनकी सोहबत से किनारा कशी इख्तियार की, और उलमा और अवाम के दरमियान खलील वसी होती गई, तो अखलाक और किरदार कौमों के बिगड़ते गए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग उलमा को छोड़कर औरों से दीन हासिल करने की कोशिश करते हैं, उलमा को छोड़कर औरों को अपने अखलाक और किरदार के लिए आइडियल बनाते हैं, ये नाचने वाले, ये गाने वाले बसा औकात मशहूर हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन उनके पास कोई अखलाक नहीं, कोई किरदार नहीं, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। न सिर्फ वो आपकी दुनिया तबाह करेंगे, बल्कि आखिरत को तबाह करके छोड़ेंगे। अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत बनाना चाहते हैं, तो आपको उलमा की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, अखलाक सिवाय उलमा के आपको कहीं हासिल नहीं होंगे। इमाम गाफी रहिमहुल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की सीरत में ये बात नकल की, कहा कि उनकी महफिल में 5000 अफराद शरीक हुआ करते थे, 5000 अफराद शामिल हुआ करते थे। इमाम ज़हबी ने रावी के हवाले से कहा कि 500 इल्म सीखने वाले, 500 मकसद उनका इल्म सीखना था इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह से, बकिया 4500
इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह से अखलाक सीखने के लिए, अपने नफूस का तस्किया करने के लिए, अपनी तरबियत करने के लिए उनकी महफिल में रहा करते थे, उनकी मजलिस में शरीक होते। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह को देखते कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, उनका तरीका क्या है, ताकि उसके जैसा या उनके जैसा अपने आप को बना सके। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं 500 अफराद इल्म हासिल करने के लिए, बकिया 4,500 अफराद उनसे अखलाक सीखने के लिए उनकी महफिल में शरीक हुआ करते थे। इसीलिए आप उनके तलामिदा और उनके शागिर्दों को आप देख ले, सबके सब आला अखलाक और किरदार के हामिल थे, और इसी से किताब सुन्नत की तालीम आम हुई और उन्हें किताब सुन्नत की तालीम को सीखा। आज लोग किताब सुन्नत से दूर होते हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह अखलाक और किरदार का ना होना। आला अखलाक हमें नहीं पाए जाते, जबान जब भी खुलती है गाली के साथ, सख्त अल्फाज के साथ सामने वाले पर कुफ्र शिर्क या निकाह के फतवे के साथ आज हमारी जबानें खुलती हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, ये किताब सुन्नत के मानने वालों का तरीका नहीं था, ये उनका मनहज नहीं था, ये उनके अखलाक नहीं थे, ये उनका किरदार नहीं था। उनको किरदार तो वो था कि जब उनको देखा जाता था तो उनको देखकर लोगों को रब याद आ जाता, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता, किताब सुन्नत से वो करीब हो जाते और सारी शिर्क और फराफात को छोड़कर किताब सुन्नत के मानने वाले बन जाते। जरूरत इस बात की है, शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने किताब सुन्नत के हामिलों को बड़ी प्यारी नसीहत की। शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह फरमाते कहते हैं कि देखो, किताब सुन्नत की जो तालीमात है ये फिनसी लोगों पर भारी है, सकील है, बसाओ आप शिर्क में, बिदअत में, बुराइयों में मुब्तला इंसान अगर आप उससे कहें कि शिर्क छोड़ दो, तस्लीम नहीं करेगा, बिदअत छोड़ दो, तस्लीम नहीं करेगा, बुराई छोड़ दो, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लो, नहीं मानेगा, क्योंकि इंसान पर इन चीजों पर अमल करने के लिए ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसीलिए वो जल्द तैयार नहीं होगा। किताब सुन्नत की जो तालीमात हैं, बसा अवकात शिर्क करने वालों पर, बिदातियों पर और बुराई करने वालों पर बहुत भारी होती हैं। अगर तुम्हारे अखलाक का कड़वापन इसमें शामिल हो जाए तो इस सूरत में वो सुनने के बजाय मजलिस से उठकर चला जाएगा, सुनेगा नहीं, क्योंकि आपकी जबान भी कड़वी है और किताब सुन्नत की तालीमात भी थकील है, भारी है। दोनों चीजें अगर जमा हो जाएं, इकट्ठी हो जाए तो कोई जाहिल सुनने पर आमदा नहीं होगा, सुनना गवारा नहीं करेगा। इसलिए अपनी जबान को मीठी बनाओ, अपने अंदर अखलाक पैदा करो, इन्हीं अखलाक के जरिए आप औरों को मुतासिर कर सकते हैं और किताब सुन्नत से करीब कर सकते हैं। अगर आपकी जबान में कड़वाहट आ जाए तो कोई किताब सुन्नत की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने इसी की तरफ कुरान मजीद में इशारा किया, वलो कुंत फद्दन गलीज القلب لانفضوا من حولك। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त होते, जबान में कड़वाहट होती, तो जितने आपके अतराफ नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप नरम दिल, नरमी से, हसन अखलाक से अपनी बातों को पेश करते, इसलिए लोगों ने इन तालीमात को सुनकर इनको कबूल किया है, इनको अखद किया है और इसमें दाखिल हो गए। लिहाजा मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है, आप
अकीदे की बात कीजिए, अकीदे की इसलाह कीजिए, इबादत की तरफ नौजवानों को उभारिए और साथ में अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि जैसे इबादत में इंसान को सवाब हासिल होता है वैसे ही सवाब इंसान के अखलाक और किरदार पर मिलता है। इंसान मुस्कुराकर मिलता है, अजर और सवाब मिलेगा। सलाम करता है, अजर और सवाब मिलेगा। मुसाफहा करता है, अजर और सवाब मिलेगा। तवाज़ो खाकसारी इख्तियार करता है, अजर और सवाब मिलेगा। बल्कि अजर और सवाब इतना ज्यादा मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन तुम में का वो आदमी मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जिसके अखलाक बेहतर हों। अगर नबी की सोहबत पाना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हैं तो अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने अखलाक और अपना किरदार बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाएं। जब तक जिंदा रखें ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखें, मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।